वालेकुम स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसमिशन का लेक्चर है करोना इफेक्ट के हवाले से। सबसे पहले हमारा हम डिफाइन करते हैं करोना इफेक्ट क्या है। ये एक हाई वोल्टेज फिनोमेना है जिसकी दर्जे निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि इसकी वजह से करोना पावर लॉस होगा। क्यों होता है ये मैं आगे बता रहा हूँ कि कोरोना पावर लॉस कहाँ पे हो जाता है। सेकेंडली जो इसकी निशानी है, इसके सिम्टम में है, कोरोना इफेक्ट के सिम्टम में वो है इसकी ब्लूइश कलर की लाइटनिंग, ब्लूइश लाइट। आपको ये ब्लूइश लाइट जहाँ पे कोरोना आकर हो रहा होगा वहाँ पे आपको ये ब्लूइश कलर की लाइट नज़र आ रही होगी। तीसरी निशानी जिसकी है वो है हेसिंग साउंड, सरसराहट की आवाज़ आएगी आपके पास। जब आप लाइनों के करीब से गुजरेंगे तो आपको ये आवाज़ सुनाई देगी, हैसिंग साउंड। फोर्थ निशानी जो इसकी है सिम्टम में, फोर्थ सिम्टम ऑफ कोरोना इफेक्ट इज द इमेजिनरी वेव प्रोडक्शन, इमेजिनरी वेव्स। लाइन के आसपास आपको इमेजिनरी वेव दिखाई देंगे, वो आप आगे डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी वेव का क्या मतलब है। तो ये कोरोना पावर लॉस, ब्लूइश लाइट, हेसिंग साउंड, इमेजिनरी वेव एंड लास्ट वन एंड नॉट द लीस्ट, क्योंकि और भी हो सकते हैं, टेलीकॉम इंटरफेरेंस। टेली कम्युनिकेशन के जो सिग्नल है उसमें इंटरफेरेंस का सबब बनता है, उसमें इंटरफेयर करता है, उसके सिग्नल को वीक करता है, उसमें इंटरप्शन डालता है। तो ये आपके पास कोरोना इफेक्ट की वजह से होने वाले सिम्टम्स है जो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये कोरोना इफेक्ट की वजह से हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कोरोना पावर लॉस कहाँ पर होता है। तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना क्यों अकर होता है। आपको पता है कि जब दो लाइनें जा रही होती हैं उसके क्रॉस खास वोल्टेज होता है, तो सराउंडिंग एयर के अंदर मौजूद गैसेस क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग गैसेस, सराउंडिंग एयर अराउंड द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर व्हिच इज कैरियिंग पावर सिग्नल इन हाई वोल्टेज स्टेट। तो ये आयोनाइजेशन के लिए आपकी लाइन की पावर इस्तेमाल हो रही है, तो ये पावर खर्च हो रही है गैर ज़रूरी काम है। गैर ज़रूरी कौन सा काम है, यूजलेस वर्क। यूजलेस वर्क इज हेयर द आयोनाइजेशन ऑफ एयर विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट द टारगेट ऑफ ओवर पावर सिस्टम। इसलिए हम कहते हैं कि कोरोना की वजह से एयर की आयोनाइजेशन में जो पावर कंज्यूम हो रही है दैट इज़ कोरोना पावर लॉस। ये फर्स्ट आपके पास सिम्टम है जिसकी वजह से आपकी यूजफुल पावर में कमी आएगी और आपका पावर इस्तेमाल होगा, खर्च होगा, ज़ाया होगा इन दिस आयोनाइजेशन ऑफ एयर एंड गैस। सेकेंडली ब्लूइश लाइट, और ये लाइट आपको फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर के अंदर मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं, एक तार को ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्टेड क्या होता है तार, तो ये वायर के कुछ पॉइंट्स पे पॉइंटेड वायर होते हैं। पॉइंटेड वायर कब बना आपके पास आते हैं, जब वायर टूट जाए, वायर के स्ट्रैंड टूट जाए तो वो पॉइंटिंग टूवर्ड ग्राउंड करते हैं या टूवर्ड आउटवर्ड। तो कोरोना आपके पास ऐसी लोकेशन पे ब्लूइश लाइटनिंग की सूरत में नमूदार होता है, ऐसे नज़र आता है जैसे कि स्पार्किंग हो रही है लाइन के ऊपर। हालांकि इस पर एक लाइन होता है वहाँ पे आपको इस तरह की ब्लूइश कलर की लाइटनिंग नज़र आ रही होगी, तो ये भी कोरोना इफेक्ट के सिम्टम में शामिल है। थर्ड वन इम्पॉर्टेंट इसका जो सिम्टम है वो है हेसिंग साउंड, सरसराहट की आवाज़ सुनाई देगी। जिस तरह आप लाइन के करीब जाते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देते हैं, हाई वोल्टेज लाइन के जितनी करीब जाते हैं तो आपको वहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। वो क्यों सुनाई देती है, क्योंकि वो पावर इस्तेमाल हो रही होती है एयर की आयनाइजेशन में और उससे आपको आवाज़ आ रही होती है। तो ये सरसराहट की आवाज़ या हेसिंग साउंड भी आपके पास कोरोना इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट आपके पास जो है इसका सिम्टम वो है इमेजिनरी वेव्स। इमेजिनरी वेव आप यूँ समझ सकते हैं, जिस तरह गर्मियों में आप रोड्स के ऊपर जाते हैं तो दूर से आपको रोड ऐसे नज़र आता है जैसे रोड के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है। सेम टू सेम इफेक्ट आपको हाई वोल्टेज लाइन के ऊपर भी नज़र आते गर्मियों में, या जो ख़राब मौसम है उस वक़्त ज़्यादा फील होता है और ऐसे नज़र आता है जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर दूर से ऐसे नज़र आता है जैसे कि पानी फ्लो कर रहा है। ये पानी फ्लो करने का जो इस तरह का इमेजिनरी या तखयलाती या जो हमें नज़र आ रहा होता है ये इफ़ेक्ट क्या है आपके पास, इमेजिनरी वेव, जिसके उर्दू में टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं सुराब।
अदब वाले लोग समझते हैं कि सराब क्या होता है। सराब को इंग्लिश में इमेजिनरी वेव्स कहते हैं, तो कोरोना की वजह से इमेजिनरी वेव प्रोड्यूस होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द टेलीकॉम इंटरफेरेंस। हम कहते हैं ना कि पावर ट्रांसमिशन की वजह से, एसी ट्रांसमिशन की वजह से टेलीकॉम सिस्टम में इंटरफेरेंस आता है, तो वो एसी ट्रांसमिशन के इस इफेक्ट की वजह से टेलीकॉम सिस्टम के अंदर मुदाखलत होती है। टेलीकॉम में क्या आता है, रेडियो सिग्नल आता है, टीवी सिग्नल आता है, इसी तरह आपके पास वॉकी टाकी आ जाता है, मोबाइल के सिग्नल आ जाते हैं। दीज ऑल आर टेलीकॉम सिस्टम सिग्नल। तो इन सिग्नल के अंदर आपके पास शोर सुनाई देगा, इंटरफेरेंस सुनाई देगी, इंटरफेरेंस महसूस होगी अगर आप हाई वोल्टेज लाइनों के करीब जाएंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज लाइनों के इर्द गिर्द कोरोना इफेक्ट हर वक्त हो रहा होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन हो रहा होता है। तो उसकी वजह से आपको एहसास कैसे होगा कि कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी वजह से मुख्तलिफ हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जनरेट होते हैं ना, वो इंटरफेरेंस की सूरत में आपको रेडियो के किसी स्टेशन को जब आप ट्यून करते हैं तो वहाँ पर आपको शोर की सूरत में सुनाई देती हैं, या टीवी का सिग्नल आपका, टीवी अगर आप ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के करीब है तो टीवी का सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है और तस्वीर ख़राब हो जाती है। इस तरह मोबाइल का सिग्नल भी, आप हाई वोल्टेज लाइन के करीब अगर आप मोबाइल के से सुनते हैं कॉल सुनते हैं तो उसके अंदर इंटरफेरेंस आ सकती है। तो ये कोरोना इफेक्ट के हवाले से आज का टॉपिक था कि कोरोना इफेक्ट क्या है। कोरोना इफेक्ट हाई वोल्टेज की वजह से आयनाइजेशन ऑफ एयर, या उसकी वजह से होने वाला पावर लॉस, या उसकी वजह से ब्लूइश लाइटनिंग या हैसिंग साउंड, ये आपके पास डिफरेंट सिम्टम्स है विच विल अकर ड्यू टू द कोरोना इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बाकी आपने ये बताना है कि ये इफेक्ट किस वजह से होता है, तो ये हाई वोल्टेज फिनोमेना है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा तो ये इफेक्ट ज़्यादा रिमार्केबल होगा, और जब लो वोल्टेज होगा, मतलब नॉर्मल हाई होगा, मीडियम हाई, तो आपके पास मतलब थोड़ा कम हाई होगा तो उसमें ये इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। जितना वोल्टेज हाई होता जाता है उतना ये इफेक्ट रिमार्केबल बनता जाता है। और इसकी इफेक्ट की मौजूदगी की निशानी क्या है, ये आपको पांच निशानियां मैंने दिखाई हैं, लिखवाई हैं, तो ये आपके पास कोरोना इफेक्ट की निशानियाँ हैं। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होंगी कि कोरोना इफेक्ट के हवाले से आपने कैसे आंसर करना है इंटरव्यूज के अंदर, या कैसे आंसर करना है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मुफीद वीडियोस के हवाले से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।